डेवलपमेंटल माइलस्टोन में अब हम लोग ड्राइंग स्किल्स की बात करेंगे। तो 15 मंथ्स का कोई बेबी होगा तो वो रैंडमली स्क्रिबलिंग करते हैं, स्क्रिबलिंग 15 मंथ्स का बेबी करते हैं, और 24 मंथ्स के जब हो जाते हैं तो उस समय एक सीधी लाइन खींच सकते हैं, 24 मंथ्स पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 36 मंथ यानी 3 ईयर्स पर क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले हम गोला बनाने के लिए बच्चों से कहते हैं, सर्किल ड्रॉ करने के लिए कहते हैं। 48 मंथ्स पर पहुंच करके वो प्लस या क्रॉस बना सकते हैं, दो फ्रेंड्स हैं तो दो लाइन बना सकते हैं, दो बच्चों के साथ उस समय खेल सकते हैं 4 साल की उम्र में, इसलिए ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। 60 मंथ्स पर यानी 5 ईयर्स पर 3 फ्रेंड्स होंगे तो इसके कारण ट्रायंगल बना सकते हैं, थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो याद कर सकते हैं, धीरे धीरे सोशल गैदरिंग बढ़ती जा रही, उस कोड को न्यूमेरिक को बना करके यहां पर बनाया जा सकता है। 4 साल पर प्लस या क्रॉस और 5 साल पर ट्रायंगल बनाने की टेंडेंसी, हालांकि स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बनाना 4 ईयर पर ही आ जाता है। तो थोड़ा सा कोड से याद करने का एक कोशिश है। इसके बाद बात करेंगे ड्रेसिंग स्किल्स की। ड्रेसिंग स्किल्स, 12 मंथ्स पर बेबी क्या कर सकते हैं, वो जूते को उतार सकते हैं, चाइल्ड कैन रिमूव शूज। 18 मंथ्स पर वो सॉक्स एंड ग्लव्स को रिमूव कर सकते हैं, वहीं 24 मंथ्स पर वो अनड्रेस हो सकते हैं कंप्लीटली अंडर सुपरविजन, वो किसी के देख रेख में अपने कपड़ों को उतार सकते हैं, 2 साल के अगर बेबी हैं, और जूते को पहन सकते हैं, ध्यान रखना है जूते को पहन सकते हैं। 36 मंथ पर वो ड्रेस और अनड्रेस हो सकते हैं। अभी तक क्या था, यहां पर अनड्रेस हो पा रहे थे कंप्लीटली, अब की 3 इयर्स पर क्या हुआ, ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, वो कहने पर कपड़े पहन भी सकते हैं, सिर्फ उतार ही नहीं सकते, ड्रेसिंग भी कर सकते हैं अंडर सुपरविजन 3 इयर्स पर। 4 इयर्स पर क्या होगा, 4 इयर्स पर शू को टाई कर सकते हैं, जूते को बांध सकते हैं, शू लैशेस को टाई कर सकते हैं। 60 मंथ्स पर वो ड्रेस और अनड्रेस कंप्लीटली विदाउट सुपरविजन हो सकता है संभव। तो याद रखना है, 2 साल का बच्चा कपड़ा उतार सकता है किसी की देखरेख में, 3 साल का बच्चा पहन भी सकता है उतार भी सकता है किसी की देखरेख में, 5 साल के जब हो जाएंगे तो विदाउट सुपरविजन वो ड्रेस और अनड्रेस हो सकते हैं। बात करते हैं क्यूब्स की। तो क्यूब्स, आपको पता ना टावर बनाने की टेंडेंसी, तो 15 मंथ्स पर 3 क्यूब्स के टावर बनाने की टेंडेंसी होती है, 18 मंथ्स पर 4 क्यूब्स की यानी 1.5 साल पर पहुंच करके 4 क्यूब्स का टावर, ये लेटेस्ट नेल्सन में 4 क्यूब्स का टावर 18 मंथ्स पर बना सकते हैं, इस बात को बताया गया है। फिर 7 क्यूब्स का टावर 24 मंथ्स में बनाते हैं। तो थोड़ा सा ड्राइंग का क्या क्या कैसे वो अचीव कर किए हैं उसको याद करने के लिए कुछ कोड की मदद ले लेते हैं। जैसे 1 ईयर पर स्क्रिबलिंग करते हैं, 2 ईयर्स पर सीधी लाइन, 3 ईयर्स पर सर्किल, 4 ईयर्स पर प्लस, 4.5 ईयर्स पर या फिर 4 ईयर्स पर ही एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना सकते हैं, 5 ईयर्स पर ट्राइंगल, 6 ईयर पर 6 साइडेड ऑब्जेक्ट्स, ये याद रखना है। 1 ईयर पर 1 से 2 क्यूब्स बना सकते हैं, फिर 3 का क्यूब्स बनाने की टेंडेंसी 15 मंथ्स पर होता है, 1.5 इयर्स पर एग्जैक्टली कहा जाए तो 4 क्यूब्स का टावर बनाते हैं, 1.5 इयर्स पर रिसेंट नेल्सन की गाइडलाइन के अनुसार एक और क्यूब रहेगा, 1.5 मंथ्स पर 3 क्यूब्स होंगे, ये 15 मंथ्स कहते हैं ना, 15 मंथ्स यानी 1 साल 3 महीने पर 3 क्यूब रहेगा, अगर 1.5 साल पूरा हो गया तो फिर 4 क्यूब, एक और क्यूब होना चाहिए रिसेंट नेल्सन के अनुसार। फिर 2 इयर्स पर कितने का बनाया है, 6 का, लेकिन रिसेंट नेल्सन के अकॉर्डिंग 2 इयर्स पर 7 क्यूब्स, टावर ऑफ 7 क्यूब्स बनाएंगे, और 36 मंथ्स पर 3 क्यूब्स का ब्रिज बना सकते हैं या फिर 10 क्यूब्स का बैलेंस करके टावर बना सकते हैं। तो टावर 10 क्यूब्स का 3 साल पर बना सकते हैं, यहां पर
एट क्यूब्स का देखिए टावर इसमें बताया गया है 2.5 साल पे, ठीक बात है, तो 3 साल पर कितने का 10 क्यूब का टावर बना सकते हैं। फिर 48 मंथ्स यानी 4 ईयर की बात है, तो उसमें गेट या ब्रिज 5 क्यूब्स की बना सकते हैं या फिर ये स्टेप्स भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो रिसेंट गाइडलाइंस और जो क्वेश्चन पूछे जाने की टेंडेंसी उसके अकॉर्डिंग 15 मंथ्स पर टावर ऑफ 3 क्यूब्स, 18 मंथ्स पर टावर ऑफ 4 क्यूब्स, 24 मंथ्स पर टावर ऑफ 7 क्यूब्स, 36 मंथ्स पर टावर ऑफ 10 क्यूब्स या फिर गेट और ब्रिज ऑफ 3 क्यूब्स, गेट और ब्रिज ऑफ 3 क्यूब्स बना सकते हैं। 48 मंथ्स पर क्या कर सकते हैं, 48 मंथ्स पर गेट और ब्रिज ऑफ 5 क्यूब्स का ड्रॉ कर सकते हैं। 48 मंथ्स पर क्या गेट या ब्रिज ऑफ 5 क्यूब्स ड्रॉ कर सकते हैं। फिर पर्सनल सोशल माइलस्टोन एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग उसको समझने की कोशिश करेंगे। पर्सनल सोशल माइलस्टोन एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग 6 to 8 वीक्स पर सोशल या रिस्पॉन्सिव स्माइल्स आ चुके होते हैं, तो किसी को देख करके मुस्कुराना ये 1.5 महीने से लेकर 2 महीने के भीतर आ चुका होता है। नेक्स्ट 12 वीक्स पर यानी 3 मंथ्स पर स्माइल या वोकलाइजेशन आ चुका होता है। स्माइल और वोकलाइजेशन ये 12 वीक्स पर आता है। नेक्स्ट 16 वीक्स पर लॉफिंग यानी चार महीने पर लॉफिंग की टेंडेंसी यानी हंसने की आदत आ चुकी होती है। 20 वीक्स पर मिरर प्ले प्रेजेंट, इसमें सोशल डेवलपमेंट पहली बार जो सीधे सवाल पूछा जाता है, सोशल डेवलपमेंट पहली बार कब शुरू होता है, तो याद रखना है 20 वीक्स पर मिरर प्ले देखा जाता है और इस दौरान पहली बार सोशल डेवलपमेंट का साइन मिलता है। वो मिरर में पाए जाने वाले जो भी पर्सन होंगे, मिस मिरर में अपनी इमेज को वो अननोन पर्सन समझ करके खेलने की कोशिश करते हैं। 7 मंथ पर वो नाम से पुकारे जाने पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं और 9 मंथ पर वेव्स बाय बाय कब मिजल्स के टीके के साथ वो बाय बाय कहते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी अगर किसी कपड़े के भीतर किसी उनके खिलौने को छुपा दिया जाए तो वो खोजने की टेंडेंसी रखना शुरू कर देते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस उन्हें पता होता है, इससे पहले कह देते चीजें गायब हो गई, कहते हैं ना चीजें गुम हो गई, लेकिन अब उन्हें यह विश्वास हो चुका होता है कि ऑब्जेक्ट्स परमानेंस होते हैं। यानी अगर किसी ने गार्जियंस ने चीजों को छुपा दिया तो वो किड बॉय या गर्ल जो भी हैं वो हिडन टॉय को खोज लेंगे अगर कपड़े के भीतर छुपा दिया। जैसे जनरली क्या होता है छोटे बच्चों को हम समझते हैं उन्हें पता ही नहीं है, लेकिन उन्हें पता होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस उन्हें पता होता है। हम उन्हें बेवकूफ समझ करके सोचते हैं कि चीजें गुम हो गई ऐसा बोल देते हैं, लेकिन उन्हें पता चल चुका होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। इतना ही नहीं तालियां भी 9 महीने पर बजा सकते हैं। 12 मंथ्स पर क्या होगा वो सिंपल सेंटेंसेस को 1 साल की उम्र पर समझना शुरू कर देते हैं। 15 मंथ्स पर क्या होता है 15 मंथ्स पर डिमांड बिहेवियर, उनको जो मन लगेगा उसको चाहिए तो चाहिए ऐसा 15 मंथ्स पर आ जाएगा। और 18 मंथ्स पर डोमेस्टिक मिमिक्री आनी शुरू हो जाती है, डोमेस्टिक मिमिक्री वो करना शुरू कर देते हैं। 24 मंथ्स पर पैरेलल प्ले पाया जाता है, वो किसी दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे लेकिन जो वो खेल रहा होगा उसके जैसा खेलने की कोशिश करेंगे, तो पैरेलल प्ले 2 साल पर आता है। इतना ही नहीं चाइल्ड अब स्टोरी को भी समझना शुरू कर देते हैं, वो चाइल्ड स्टोरी को समझना 2 साल में शुरू कर देते हैं 2 साल की उम्र में। 36 मंथ्स पर 3 ईयर्स पर अब वो एज जेंडर को जानते हैं और ग्रुप में खेलने की आदत उनमें आ चुकी होती है। 36 मंथ्स पर अभी भी ग्रुप में खेलना वो पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कोऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन 4 ईयर्स पर कोऑपरेटिव प्ले पाया जाता है। तो 3 मंथ्स पर कोऑपरेटिवली वो नहीं खेलते 3 ईयर्स पे, 4 ईयर्स पर जाकर के कोऑपरेटिव प्ले खेलना देखा गया है। 3 ईयर्स पर वो अपने नाम और जेंडर दोनों ही चीजों को जान चुके होते हैं और
फाइव ईयर्स पर, 60 मंथ्स पर पहुंच करके, आप देखेंगे 60 मंथ्स पर पहुंच करके वो शब्दों का मीनिंग भी जान जाते हैं। तो इसीलिए फाइव ईयर्स कम से कम हम चाहते हैं कि फाइव ईयर्स में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाए। थोड़ी सी बात लैंग्वेज के लेवल पर कर लेते हैं। लैंग्वेज में 12 ईयर्स पर वोकलाइजेशन शुरू हो जाता है, 6 मंथ पर मोनोसिलेबल्स, मा बा दा इस तरीके के वर्ड्स वो बोल सकते हैं, 9 मंथ्स पर बायसिलेबल्स यानी बाबा दादा इस तरीके से वो बोल सकते हैं, फिर 1 ईयर पर पहुंच करके 2 to 3 words वो बोल सकते हैं, 15 मंथ्स पर जार्गन्स यानी अनइंटेलिजिबल वर्ड्स बोलना, अपने ही मन से कुछ भी वर्ड्स बना करके वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो 1 ईयर पर 2 to 3 words, 15 मंथ्स पर जार्गन्स यानी अनइंटेलिजिबल वर्ड्स जो केवल पेरेंट समझ पाते हैं कि बच्चे ने ये बोला तो उसका मतलब ये है, बाकी कोई और नहीं समझ सकता है। फिर रूल ऑफ थंब फ्रॉम 2 to 3 years, एक चीज याद रखना है, रूल ऑफ थंब फ्रॉम 2 to 5 years, चाइल्ड कैन स्पीक सेंटेंस ऑफ वर्ड, मतलब ये कि बच्चा उतने ही वर्ड्स बोल सकता है अपनी उम्र के अनुसार, ये रूल ऑफ थंब है जो 2 से 5 साल तक फॉलो होता है, जितनी उम्र उतने सेंटेंसेस को वो बोल सकते हैं, उतने वर्ड्स के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। इस बात का क्या मतलब है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 2 साल का बच्चा होगा तो 2 वर्ड्स का सेंटेंस बोलेगा, 2 वर्ड्स का सेंटेंस, मैं जाऊं इस तरीके से, मतलब कुछ भी, पाचल है ना, इस तरीके का 2 वर्ड्स का ही सेंटेंस बोलेंगे। 4 साल के हो चुके होंगे तो 4 वर्ड्स के वो सेंटेंस 4 ईयर्स पर बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस कितना लंबा होगा वो उनके उम्र पर डिपेंड करेगा। इतना ही नहीं, वोकैबुलरी की बात करेंगे तो वोकैब की बात करें तो 2 ईयर्स के बच्चे में आई यू और 150 वर्ड्स के आसपास की नॉलेज आ चुकी होती है। 3 ईयर्स तक जब पहुंचते हैं तो वो 250 वर्ड्स के आसपास तक उनकी वोकैब हो जाती है और 4 ईयर्स पर वो एक सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, वो एक सेंटेंस को पढ़ सकते हैं और 5 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 ईयर्स पर वो क्या कर सकते हैं, 4 ईयर्स पर वो सेंटेंस पढ़ सकते हैं, पोएम सुना सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं, इस तरीके का उनकी एक्टिविटीज में शामिल हो चुका होता है, वो गाना गा सकते हैं। 5 ईयर्स पर वो फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 ईयर्स का कोई चाइल्ड है तो वो फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स, आइडेंटिफाइंग कलर, तो 2.5 साल का बच्चा होगा तो वो 1 कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 5 ईयर्स पर 4 कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद कितने पेजेस टर्न कर सकता है, तो 1.5 ईयर्स यानी 18 मंथ्स पर 2 to 3 pages एक साथ वो टर्न करते हैं, एक पेज टर्न करने की टेंडेंसी या इतना फाइन लेवल पर पेजेस टर्न करना 24 मंथ्स पर आ पाता है। ट्राईसाइकिल कब चलाएंगे, ट्राईसाइकिल 3 ईयर्स पर, और बाईसाइकिल जो चलाते हैं, बाईसाइकिल 6 ईयर पर, तो कॉन्फिडेंटली बाईसाइकिल 6 ईयर पर ही चला सकते हैं।